इंतखाबात की जानिब एक और कदम। बैलेट पेपर्स की आज से छपाई शुरू। पाक फौज ने प्रिंटिंग प्रेसों पर ड्यूटी संभाल ली। धांधली रोकने के लिए बैलेट पेपर्स की सप्लाई भी फौज की निगरानी। इलेक्शन कमीशन ने एक और अनोखा फैसला कर लिया। वोटर्स की फहरिस्तों का ठेका फोटो स्टेट वालों को दे दिया। हस्ताक्षर जचा, गैर महफूज हाथों में जाने का खदशा। इंतखाबी मुहिम का पहला इतवार, कॉर्नर मीटिंग और जलसे होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने और इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुहिम तेज हो गई। तहरीक इंसाफ आज बन्नू में जलसा आयाम करेगी। मरियम नवाज के लाहौर में दफ्तर का इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपने हलके एनए 246 लियारी का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात से खिताब भी करेंगे। बिलावल दूल्हे शाह सब्जवारी मजार, मेमन सोसाइटी चौक, हनीफ मंजिल 8 चौक, घांची पारा और गार्डन में भी जाएंगे। हमारे जो एमपीए के जो उम्मीदवार हैं राणा इकबाल सिराज, उनको थप्पड़ मारे गए हैं और उनकी बड़ी बेइज्जती की गई है। कुछ दिनों से उनको बुलाया जा रहा था आईएसआई के दफ्तर में मुल्तान में, और उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम टिकट वापस करो मुस्लिम लीग का और ये इलेक्शन मत लड़ो, वरना हम तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे और हम तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे खानदान के साथ ये सबूत करेंगे। नवाज शरीफ ने खुफिया इदारों पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहते हैं नून लीग के नुमाइंदगान को डराया धमकाया जा रहा है। जीत का निशान किसका है मुझे नहीं पता। धांधली हुई तो ऐसा तूफान उठेगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 31 जुलाई तक तौसी। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने तौसी के ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सारफीन अब मुकर्रा तारीख तक एफबीआर को जराए आमदन जाहिर किए बगैर अस्तासे जाहिर कर सकते हैं। निगरान हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 99.50 रुपए मुकर्रर। डीजल 119.31 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत 87.67 रुपए हो गई। कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। कीमतों का इतलास आज से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। थैंक यू सो मच 24 न्यूज फॉर स्टार्टिंग सच अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। उठो पाकिस्तान, वोट दो अपने कल के लिए, आज वोट दो। इट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड अगर आप सब लोग जाओ, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और वोट दो। ये आपकी ड्यूटी है। मेक श्योर यूर ऑल फुलफिलिंग योर ड्यूटी गाइस। गुड लक। 24 न्यूज की मुहिम की ऑस्ट्रेलिया में भी धूम। वेट लिफ्टर मरियम नसीम का 24 न्यूज की मुहिम को खिराज तहसीन। कहा कि उठो पाकिस्तानियों, वोट की खातिर घर से निकलो। कोयटा के इलाके ओथल में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला कोतवाली मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज ओथल ही था। बहावलपुर में शौहर का बीवी पर वहशियाना तशद्दुद। मोहम्मद अमीन ने बीवी के दोनों बाजू और जबान काटी। मुल्जिम ने मोहम्मद कासिम नामी शख्स के भी दोनों बाजू काट डाले। मामला नाजायज तालुकात का बताया जा रहा है। जल्दी बीमारी, जोड़ों का दर्द या कोई गायबी मर्ज हो तो घबराए नहीं, ना डॉक्टरी इलाज कराए। खाम तेल से नहाए, बीमारी खुद बखुद भाग जाएगी। कुंजा में बरसानी तोदा गिरने से ऑस्ट्रेलियन को पैमा हलाक हो गया। हादसे में 2 बरसानी को पैमा जख्मी भी हो गए। खराब मौसम की वजह से लापता होने वालों की तलाश में दुश्वारी का सामना। पिंडी
यूपी भतिया में पसंद की शादी की ख्वाहिश जुर्म बन गई। मामू ने साथी के साथ मिलकर अपनी भांजी को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मकतूला गांव के नौजवान सनाउल्ला से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद की। कोटद्वार के करीब कादराबाद में कोच और मजदा ट्रक में तसादुम। दो अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों का मौसम अबरारूद। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में भी बारिश होने का इम्कान। फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स के अहलकार मदारी निकले। जराइम पर काबू तो ना पा सके, अलबत्ता मोटरसाइकिल पर करतब दिखाना शुरू कर दिए। वीडियो वाले पाकिस्तान जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सैफ अली की T20 क्रिकेट सीरीज का आगाज आज से हरारे में होगा। सीरीज का इफ्तिताही मैच मेजबान जिम्बाब्वे और आर्मी नंबर 1 पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। जिम्बाब्वे आर्मी दर्जाबंदी में 12वें नंबर पर है। और ऐश्वर्या राय को ढलती उम्र का ताना मिल गया। अमरीकी कोरियोग्राफर फ्रैंक गेस्टन जूनियर का कहना है कि अदाकारा ऐश्वर्या राय 19 साल की लड़की नहीं, उम्र रसीदा खातून और एक बच्चे की मां है। उन्हें उसी हिसाब से छोटे डांसिंग स्टेप्स दिए जाएंगे।